press the bell icon on the YouTube and never miss another update. हेलो, मैं विनोद चौधरी आपके लिए एक वीडियो लेकर आया हूँ दोबारा, जिसमें हम आज जो एक्सरसाइज 7.1 है उसके जो 5 क्वेश्चन रिमेनिंग जो है उनको अपन सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 26, ये अच्छा क्वेश्चन है, बोर्ड में आया हुआ है। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन है, अपन ने पीछे क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 20 किया था, एक ये 26 और एक आगे 28 आएगा। तो इन चारों क्वेश्चन का जो डिनोमिनेटर सॉल्यूशन है वो प्रोसेसिंग चारों में सेम रहेगी, जो साइन थीटा माइनस कोस थीटा और फिर आप उसमें से माइनस कॉमन लोगे। तो इन दोनों का जो पीछे जो क्वेश्चन किया था 17, उसमें अपॉन वाला दोनों का ही सेम है, 1-10 और 1-4। बस यहाँ जो न्यूमरेटर में है कोस है, इधर आ गया साइन है, ये चेंज है। तो उसी क्वेश्चन की तरह ये कोस है और साइन है, ये तो दोनों में साइन और कोस के अंदर चेंज किए हुए पड़े हैं। तो इसके जो डिनोमिनेटर है, जो टेन और कोट, इनको अपने साइन कोस में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि एक्सरसाइज के जो 90% क्वेश्चन है उसको अपन साइन कोस में कन्वर्ट करके ही करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड इसकी कोस है अपॉन 1-10 को लिख देंगे, साइन ए अपॉन कोस है प्लस साइन ए अपॉन में 1-माइनस कोट ए को लिख देंगे, कोस ए अपॉन साइन ए। तो ये इसका डिनोमिनेटर वो एक फ्रैक्शन का फॉर्म आ गया, तो इसको अपन एलसीएम से सोल्व करेंगे। अब कोस ए न्यूमिनेटर वाला सेम, अपॉन में 1 और कोस ए का जो एलसीएम आएगा वो आएगा कोस ए। अब 1 का इसमें डिवाइड करोगे कोस ए, कोस ए का 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये कोस ए माइनस कोस ए का डिवाइड करोगे 1, 1 का साइन ए से मल्टीप्लाई करोगे तो साइन ए। आगे प्लस, इसी तरह इसमें एलसीएम लेंगे अपन, ये न्यूमिनेटर में तो साइन ए अपॉन में साइन ए और 1 का एलसीएम आएगा साइन ए, अब 1 का डिवाइड करोगे तो साइन ए, साइन ए का 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो साइन ए माइनस साइन का साइन ए में डिवाइड करोगे तो ये 1 आएगा, और 1 का कोस से मल्टीप्लाई करोगे तो ये कोस ए। अब जो डिनोमिनेटर है वो एक फ्रैक्शन का फॉर्म हो गया, तो ये डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई में जाएगा, इसके कोस ए का तो ये इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो इसको लिखेंगे कोस ए मल्टीप्लाई में ये कोस ए अपॉन कोस ए माइनस साइन ए, ये मल्टीप्लाई में आ गया इसके। आगे प्लस, यहां साइन ए के मल्टीप्लाई में ये इसका रेसिप्रोकल होगा तो साइन ए न्यूमिनेटर बन गया, अपॉन में साइन ए माइनस कोस ए। अब कोस है वो कोस ए से मल्टीप्लाई करेगा तो ये कोस स्क्वायर हो गया, अपॉन में कोस ए माइनस साइन ए। आगे प्लस, साइन का मल्टीप्लाई साइन से ही होगा तो ये साइन स्क्वायर ए अपॉन में साइन ए माइनस कोस ए। तो क्वेश्चन नंबर जो 17 और 20 में था तो यहाँ पे ये सेम है, तो यहाँ इस फर्स्ट में जो है कोस ए माइनस साइन ए, और यहाँ इसका जो डिनोमिनेटर है वो साइन ए माइनस कोस ए है। तो आप इस फर्स्ट वाले से इसके जैसा आप बी ए बनाओगे तो इससे माइनस है वो कॉमन लेना पड़ेगा, तो कोस स्क्वेयर ए अपॉन कोस ए माइनस साइन ए। आगे प्लस, ये साइन स्क्वेयर ए अपॉन में ये साइन ए माइनस कोस ए और ये कोस ए माइनस साइन ए है, तो कोस ए माइनस साइन ए का जैसा डिनोमिनेटर इसका अपने को बनाना है तो इसे अपने माइनस कॉमन लेंगे, तो ये माइनस कॉमन ले लिया, माइनस कॉमन लेने के बाद ये बन गया कोस ए माइनस साइन ए। अब ये प्लस और ये माइनस मल्टीप्लाई करके यहां बीच में वो माइनस का साइन आ जाएगा, तो मैं इसी क्वेश्चन में चेंज कर रहा हूं, तो ये प्लस और माइनस मल्टीप्लाई होने के बाद में यहाँ पे आ जाएगा ये माइनस। अब इन दोनों का जो डिनोमिनेटर है वो सेम हो गया, तो इन दोनों का अपने एलसीएम लेंगे, तो ये एलसीएम है कोस ए माइनस साइन ए आ गया इसका एलसीएम। अब दोनों का एलसीएम
cos a माइनस साइन a आने के बाद ये सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो जो न्यूमिनेटर में है वो एज इट इज आ जाएगा, क्योंकि इसका इसमें डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, 1 का मल्टीप्लाई cos स्क्वायर a से करेंगे तो ये cos स्क्वायर a माइनस ये साइन स्क्वायर a। अब आंसर लाना है अपने को साइन ए प्लस कोस ए, तो इसके लिए आप जो न्यूमिनेटर में है यहाँ पे आइडेंटिटी लग रही है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ न्यूमिनेटर में अपने आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे एलजेब्रा की, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए प्लस बी मल्टीप्लाई ए माइनस बी, तो ये आइडेंटिटी लगाएंगे अपने यहाँ पे, तो न्यूमिनेटर में हो जाएगा कोस ए प्लस साइन ए, ये हो गया a प्लस बी, और cos a माइनस साइन a ये हो गया a माइनस बी, और अपॉन में है cos a माइनस साइन a, ये मल्टीप्लाई में है न्यूमरेटर वाला, तो ये cos a माइनस साइन a से cos a माइनस साइन a कैंसिल हो गया, अब जो रिमेनिंग पार्ट है cos a प्लस साइन a, और आंसर में ये लेकर आना था अपने को, तो इसको आप इस तरह लिख सकते हो साइन ए प्लस कोस ए, तो ये आ गया राइट हैंड साइड। अच्छा क्वेश्चन है, बोर्ड में आया हुआ भी है 2018 के अंदर, तो आपको इसको इस तरह से करना है, जो अपॉन वाला है वो सेम प्रोसेस जो 17 में किया था वही है। नंबर 27 कोस ए माइनस साइन ए मल्टीप्लाई सेक ए माइनस कोस ए, आंसर लेकर आना है 1/10a + cot a, तो टेन ए प्लस कोट ए 3-4 क्वेश्चन में आ चुका है, तो यहाँ ये डिनोमिनेटर में आया, पीछे जो क्वेश्चन किए थे उसमें ये न्यूमिनेटर में आ चुका है, तो उसी तरह से डिनोमिनेटर को अपन सॉल्व करेंगे। तो ये इसकी लेफ्ट हैंड साइड है, अब लेफ्ट हैंड साइड के अंदर को सेक और जो सेक आया, तो इसमें क्वेश्चन अपने साइन और कोस में चेंज करके करते हैं, तो को सेक होता है वो साइन का रेसिप्रोकल होता है, तो इसको लिख देंगे 1/sin a माइनस आगे साइन ए का साइन ए लिख दिया, दूसरे ब्रैकेट में सेक कोस का रेसिप्रोकल होता है तो 1/cos a माइनस कोस ए, अब इन दोनों का एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम इसके अपॉन में आप 1 लगा सकते हो, इसके अपॉन में भी 1 लगा सकते हो, तो साइन और 1 का एलसीएम आएगा वो साइन ए आया, साइन ए का इसमें डिवाइड करोगे तो 1 का 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 1 माइनस 1 का डिवाइड करोगे साइन ए, साइन ए का साइन ए से मल्टीप्लाई होगा साइन स्क्वायर ए, सेकेंड ब्रैकेट में एलसीएम कोस ए और 1 का कोस ए आएगा, कोस ए का इसमें डिवाइड करोगे 1 का 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 1 माइनस 1 का डिवाइड करोगे कोस ए, कोस ए का कोस ए से मल्टीप्लाई होगा कोस स्क्वायर ए। अब फर्स्ट ब्रैकेट में वो आइडेंटिटी ट्रिग्नोमेट्री की फर्स्ट आइडेंटिटी 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर होता है कोस स्क्वायर ए अपॉन में साइन ए, सेकेंड में 1 माइनस कोस स्क्वेयर है तो 1 में से कोस स्क्वेयर ए माइनस होता है तो साइन स्क्वेयर ए अपॉन में कोस ए। अब ये मल्टीप्लाई में दोनों ब्रैकेट वाले तो कैंसिल हो जाएंगे यहाँ पे इस कोस ए से, इसके एक और कैंसिल हो जाएगी साइन ए से इसके एक और कैंसिल हो जाएगी, तो रिमेनिंग पार्ट कोस ए मल्टीप्लाई में यहाँ पे हो गया साइन ए, तो इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हो साइन ए कोस ए, तो यहाँ अपना जो आंसर है वो साइन कोस में है, लेकिन यहाँ पे जो राइट हैंड साइड है वो टेन और कोट के अंदर है, तो आपको इस क्वेश्चन में राइट हैंड साइड को भी लेके इसको सॉल्व करना पड़ेगा, तो राइट हैंड साइड 1/10a + cot a, ये क्वेश्चन सेम पीछे कर चुके हैं अपन, अब यहाँ ये जो प्रोसेसिंग है वो आपको डिनोमिनेटर में करना है, तो 1/ आंसर साइन कोस में है तो टेन और कोट को भी आपको साइन कोस में चेंज करना है, तो टेन को लिख देंगे साइन ए अपॉन कोस ए प्लस कोट को लिख देंगे कोस ए अपॉन साइन ए। अब इसके जो डिनोमिनेटर का एलसीएम लेंगे तो कोस और साइन दोनों डिफरेंट है, तो इनका एलसीएम आएगा साइन ए का मल्टीप्लाई कोस ए से, तो डिनोमिनेटर में एलसीएम आ गया साइन ए मल्टीप्लाई कोस ए, कोस ए का इसमें डिवाइड करेंगे तो रिमेनिंग पार्ट साइन ए का मल्टीप्लाई साइन ए से होगा तो साइन स्क्वायर ए प्लस साइन का डिवाइड करेंगे साइन कैंसिल हो गया कोस ए बचेगा, कोस ए का कोस ए से मल्टीप्लाई होगा कोस स्क्वायर ए। अब ये 1 के अपॉन में है तो ये रेसिप्रोकल करोगे तो 1 के मल्टीप्लाई में जाएगा, तो 1 का मल्टीप्लाई किसी नंबर से होता है तो वो सेम रहता है, तो इसको अपन ऐसे लिख देंगे साइन ए मल्टीप्लाई कोस ए
अपॉन में साइन स्क्वेयर ए प्लस कोस स्क्वेयर ए। आप चाहो तो यहां पे फर्स्ट आइडेंटिटी अप्लाई कर सकते हो, वन लिख सकते हो। मैंने इसको रेसिप्रोकल करने के बाद में अप्लाई कर रहा हूं, तो अगर इसका वन से मल्टीप्लाई करके फिर एक स्टेप लिखते हो तो भी सही है, अदरवाइज आप इसको या डायरेक्ट ये लिख सकते हो। अब अपॉन में ये क्या बनेगा, वन बनेगा, क्योंकि आइडेंटिटी है ये साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कोस स्क्वेयर थीटा वन होता है, तो ये बच गया साइन ए मल्टीप्लाई कोस ए अपॉन में ये वन, तो आंसर आ गया साइन ए मल्टीप्लाई कोस ए। तो ये राइट हैंड साइड का है, ये था लेफ्ट हैंड साइड का, तो आपको इसको ऐसे लिखना होगा एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस इज इक्वल टू, दोनों का जो आंसर आया है साइन ए मल्टीप्लाई कोस ए, इस तरह से आपको इसको ब्रैकेट में लिखना होगा। तो ये हैंस प्रूफ। तो इस नेक्स्ट क्वेश्चन, कोस स्क्वायर ए अपॉन में वन माइनस टेन ए प्लस साइन क्यूब ए अपॉन में साइन ए माइनस कोस ए, आंसर लाना है वन प्लस साइन ए मल्टीप्लाई कोस ए। तो देखो इसका जो अपॉन वाला पार्ट है वन माइनस टेन ए, पीछे के क्वेश्चन में अपन सोल्व कर चुके हैं, तो इसे हम उसी तरह से प्रोसेस करना है। बाकी का जो क्वेश्चन है वो सारा साइन कोस में है चेंज किया हुआ, तो अपने को इसको सिर्फ डिनोमिनेटर है टेन ए, इसको साइन ए अपॉन कोस ए लिख के फिर इसको एलसीएम लेकर के सोल्व करेंगे। तो कोस स्क्वेयर ए अपॉन में वन माइनस टेन ए, तो टेन ए को लिख देंगे साइन ए अपॉन में कोस ए, आगे प्लस साइन क्यूब ए अपॉन में साइन ए माइनस कोस ए। अब इसका एलसीएम लेंगे तो ये वन और कोस ए का एलसीएम कोस ए आएगा डिनोमिनेटर का, न्यूमिनेटर में कोस स्क्वेयर ए एज इट इज, डिनोमिनेटर में वन और कोस ए का एलसीएम आएगा कोस ए, वन का इससे डिवाइड करेंगे कोस ए, कोस ए का वन से मल्टीप्लाई होगा तो कोस ए माइनस कोस ए का कोस ए में डिवाइड करेंगे वन, वन का साइन ए से मल्टीप्लाई होगा तो साइन ए, आगे प्लस इसको एज इट इज लिख देंगे साइन क्यूब ए अपॉन में साइन ए माइनस कोस ए। अब ये रेसिप्रोकल होगा तो कोस ए का मल्टीप्लाई कोस स्क्वायर ए से होगा, तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख रहा हूं ये कोस क्यूब ए बन जाएगा अपॉन में ये कोस ए माइनस साइन ए, आगे प्लस साइन क्यूब ए अपॉन में साइन ए माइनस कोस ए। तो अगेन वही चीज आ गई है जो पीछे क्वेश्चन में कहता 26 में, इसमें कोस ए माइनस साइन ए, इसमें साइन ए माइनस कोस ए है, तो आप इस सेकंड वाले को फर्स्ट का जो डिनोमिनेटर है उसकी तरह अपने चेंज करेंगे, तो ये कोस ए माइनस साइन ए है तो इसे आप माइनस कॉमन ले लोगे, तो कोस क्यूब ए अपॉन में कोस ए माइनस साइन ए। तो मैं यहाँ पे जो कॉमन लेने के बाद जो प्लस माइनस मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस डायरेक्ट लिख रहा हूँ, क्योंकि ऐसा पीछे तीन क्वेश्चनों में कर चुके हैं। तो न्यूमरेटर में साइन क्यूब ए अपॉन में ये साइन ए माइनस कोस ए है तो इसका बन जाएगा कोस ए माइनस साइन ए। अब दोनों का डिनोमिनेटर है वो सेम हो गया, तो दोनों का एलसीएम दोनों का आएगा कोस ए माइनस साइन ए। ये एलसीएम आने के बाद दोनों का जब एलसीएम सेम है तो न्यूमरेटर वाले डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, कोस स्क्वेयर ए माइनस सॉरी कोस क्यूब ए माइनस साइन क्यूब ए। अब ए क्यूब माइनस बी क्यूब वाली आइडेंटिटी लग रही है यहाँ पे, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब की जो आइडेंटिटी होती है ए क्यूब माइनस बी क्यूब होता है ए माइनस बी ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस ए बी, ये आइडेंटिटी यहाँ पे अप्लाई करेंगे अपन। तो कोस क्यूब ए माइनस साइन क्यूब ए है तो इसका ये आंसर हो जाएगा, ए माइनस बी करेंगे तो कोस ए माइनस साइन ए, एंड सेकंड ब्रैकेट में ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर तो कोस स्क्वेयर ए प्लस बी की जगह साइन है तो साइन स्क्वेयर ए प्लस ए बी, तो साइन ए मल्टीप्लाई कोस ए, और अपॉन में इसके कोस ए माइनस साइन ए तो कोस ए माइनस साइन ए। अब न्यूमिनेटर के अंदर कोस ए माइनस साइन ए है और डिनोमिनेटर में भी कोस ए माइनस साइन ए, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पे कोस स्क्वेयर ए प्लस साइन स्क्वेयर आ रहा है तो इसकी जगह लिख देंगे अपन वन प्लस आगे साइन ए मल्टीप्लाई कोस ए, तो ये साइन ए इंटू कोस ए एज इट इज आ गया, तो ये आर एच एस लाना था अपने को, तो इज इक्वल टू आर एच एस, तो हैंड्स प्रूव।
क्वेश्चन 29 पी की वैल्यू दे रखी है sec थीटा प्लस tan थीटा प्रूव करना है p स्क्वायर माइनस 1 अपॉन p स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू sin थीटा तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड p स्क्वायर माइनस 1 अपॉन p स्क्वायर प्लस 1 तो इसमें ये वैल्यू पुट करनी है p की जगह आप लिखोगे पुटिंग p इज इक्वल टू sec थीटा प्लस tan थीटा अब इसमें p की जगह ये वैल्यू पुट करेंगे तो p का स्क्वायर है तो sec थीटा प्लस tan थीटा ये तो p की वैल्यू है तो इसका ये होल स्क्वायर हो जाएगा आगे माइनस 1 अपॉन में यहीं पर p की वैल्यू sec थीटा प्लस tan थीटा और इसका भी होल स्क्वायर यहां पे है प्लस 1 अब यहां पे स्पेशल आइडेंटिटी रहेगी क्योंकि एक दो क्वेश्चन है एक एग्जांपल में भी है तो इसमें स्पेशल आइडेंटिटी क्या है कि ये जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जो दोनों में 1 है तो इस 1 की जगह ये जो आइडेंटिटीज है sec और tan वाली sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा ये दोनों इस 1 की जगह आपको यहां पे अप्लाई करना है बाकी इन दोनों में कोई चेंज नहीं करेंगे अगर इसको कहीं sin cos में चेंज करके करेंगे तो उससे भी हो जाएगा लेकिन बहुत लेंथी क्वेश्चन पड़ेगा क्योंकि फिर उसका होल स्क्वायर करना पड़ेगा और ये 1 के इक्वल में आप sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा अगर रखते हैं तो इससे क्वेश्चन है वो छोटा होगा तो p की जगह आप ये स्क्वायर माइनस 1 फिर p की जगह लिख दिया sec थीटा प्लस tan थीटा का स्क्वायर प्लस 1 अब इन दोनों 1 की जगह आप लिख दोगे sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बाकी एज इट इज उतार लेंगे तो sec थीटा प्लस tan थीटा का ये होल स्क्वायर माइनस इस 1 की जगह वो लिखोगे तो आप इसको ब्रैकेट में लिखोगे sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो इसलिए इस पूरे के आपको ब्रैकेट लगाना है यहां प्लस और इधर जो p की वैल्यू थी वो sec थीटा प्लस tan थीटा का स्क्वायर है यहां प्लस और 1 की जगह लिख दिया sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा अब यहां तो ये प्लस में होगी होल स्क्वायर है और यहां ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्म लग रहा है तो इन दोनों में a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाले आइडेंटिटीज अप्लाई करेंगे ये बाकी एज इट इज उतारेंगे तो न्यूमरेटर में sec थीटा प्लस tan थीटा का होल स्क्वायर माइनस इसको अपने बड़े ब्रैकेट में लिखेंगे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर तो a प्लस b और a माइनस b ये लिख दिया और सेम प्रोसेस डिनोमिनेटर में करेंगे तो sec थीटा प्लस tan थीटा का होल स्क्वायर प्लस a प्लस b तो sec थीटा प्लस tan थीटा और a माइनस b तो sec थीटा माइनस tan थीटा अब देखो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में यहां sec थीटा प्लस tan थीटा का होल स्क्वायर है और यहां पे sec थीटा प्लस tan थीटा की एक पावर है तो आप इन दोनों से sec थीटा प्लस tan थीटा कॉमन ले सकते हैं क्योंकि यहां मल्टीप्लाई के अंदर है और सेम डिनोमिनेटर में sec थीटा प्लस tan थीटा कॉमन आ जाएगा तो न्यूमरेटर में कॉमन आएगा sec थीटा प्लस tan थीटा और डिनोमिनेटर में भी ये सेम कॉमन आएगा sec थीटा प्लस tan थीटा अब रिमेनिंग पार्ट ये कॉमन आने के बाद यहां पे इसकी पावर है वो 2 है ये तो एक पावर कॉमन आ गई है तो एक पावर बच गई है तो उसको लिख देंगे अपन sec थीटा प्लस tan थीटा आगे यहां माइनस है तो ये तो कॉमन आ चुका है आगे वाले ब्रैकेट से बाहर ये माइनस आएगा तो इसका मल्टीप्लाई से होगा तो माइनस का जब इस sec से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का sec थीटा और माइनस का मल्टीप्लाई इस माइनस से होगा तो ये प्लस tan थीटा ये ध्यान रखना है इस माइनस का मल्टीप्लाई इस ब्रैकेट से ध्यान से करना है अगर आपने मल्टीप्लाई नहीं किया तो पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा यहां पे अब नेक्स्ट इसमें कॉमन आ गया sec थीटा प्लस tan थीटा तो यहां डिनोमिनेटर में भी सेम प्रोसेस है यहां पे ये माइनस और यहां पे ये प्लस है बस इतना ही चेंज है तो यहां पावर 2 थी तो एक पावर कॉमन आ चुकी है तो एक पावर इसकी बच गई है sec थीटा प्लस tan थीटा आगे यहां प्लस है तो आगे वाले ब्रैकेट पे साइन में कोई चेंज नहीं होगा तो ये प्लस ये कॉमन आ चुका है तो प्लस का मल्टीप्लाई sec से करेंगे तो sec थीटा माइनस tan थीटा अब यहां पे जो कैंसिल होने वाले पार्ट है sec थीटा प्लस tan थीटा से ये कैंसिल हो गया यहां ये sec थीटा माइनस का है यहां प्लस का ये कैंसिल हो गया अपॉन में ये tan थीटा माइनस ये tan थीटा प्लस का तो ये कैंसिल हो गया अब जो रिमेनिंग पार्ट है वो लिख देंगे
टेन थीटा प्लस टेन थीटा का एड हो जाएगा तो ये हो गया टू टेन थीटा अपॉन में sec थीटा प्लस sec थीटा ऐड हो जाएगा तो 2 sec थीटा 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, आंसर आ रहा है sin में, तो tan और sec को sin cos में कन्वर्ट कर लेंगे, tan होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा, ये tan को चेंज कर दिया है और अपॉन में जो sec थीटा है वो होता है 1 अपॉन cos थीटा, अब जो अपॉन में है cos दोनों के तो ये दोनों cos थीटा से cos थीटा कैंसिल हो गया, अब रिमेनिंग पार्ट sin थीटा अपॉन 1 तो sin थीटा अपॉन 1 होता है sin थीटा, ये लेकर आना था तो इज इक्वल टू RHS हैंस प्रूव्ड। अब एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, m और n की ये वैल्यू दे रखी है और आपको प्रूव करना है m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर ब्रैकेट में और मल्टीप्लाई cos स्क्वायर b इज इक्वल टू m स्क्वायर, अब इसकी लेफ्ट हैंड साइड ये लिख देंगे अपन लेफ्ट हैंड साइड, अब और m और n की जो वैल्यू है ये पुट करेंगे अपन यहां पे, आप ये लाइन यहां पे लिख दीजिएगा कि पुटिंग m is equal to cos a upon cos b और n is equal to sin a cos a upon sin b, तो मैं यहां पे डायरेक्ट वैल्यू पुट कर रहा हूं, m की वैल्यू ये वैल्यू है m की cos a upon cos b, m का स्क्वायर है तो इसका ये स्क्वायर हो जाएगा प्लस n का स्क्वायर है तो n की वैल्यू है cos a upon sin b और इसका ये स्क्वायर, इसका मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसको अपने बड़े ब्रैकेट में लेंगे आगे cos स्क्वायर b, तो cos स्क्वायर b से मल्टीप्लाई हो रहा है, अब यहां पे जो स्क्वायर है तो स्क्वायर इन दोनों पर जब आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे उसके बाद cos a इसमें और cos a इसमें है तो इन दोनों से cos जो a का स्क्वायर होगा वो कॉमन आ जाएगा, तो यहां पे आप इसको स्क्वायर लिख दोगे cos स्क्वायर a हो गया, ये हो गया cos स्क्वायर b आगे प्लस इसमें ये स्क्वायर करेंगे तो cos स्क्वायर a अपॉन में sin स्क्वायर b और इसका मल्टीप्लाई होगा cos स्क्वायर b से, अब दोनों का जो न्यूमरेटर है वो cos स्क्वायर a है तो दोनों cos स्क्वायर a दोनों से कॉमन आ जाएगा तो cos स्क्वायर a कॉमन आ गया तो रिमेनिंग पार्ट 1 अपॉन cos स्क्वायर b प्लस 1 अपॉन sin स्क्वायर b और इधर मल्टीप्लाई हो रहा है cos स्क्वायर b से, अब ये जो दोनों है ये प्लस में है और ये फ्रैक्शन का फॉर्म में है तो इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो cos स्क्वायर a, इन दोनों का एलसीएम दोनों ही डिफरेंट है तो दोनों का मल्टीप्लाई आ जाएगा sin स्क्वायर b मल्टीप्लाई cos स्क्वायर b, ये इसका एलसीएम आ गया, cos स्क्वायर b से डिवाइड करेंगे ये कैंसिल हो गया, बचेगा sin स्क्वायर b का 1 से मल्टीप्लाई होगा तो sin स्क्वायर b प्लस sin स्क्वायर b से डिवाइड करेंगे sin स्क्वायर b कैंसिल, बचेगा cos स्क्वायर b का 1 से मल्टीप्लाई होगा तो cos स्क्वायर b और आगे लास्ट में मल्टीप्लाई में है cos स्क्वायर b, अब यहां पे जो कैंसिल होने वाले हैं जो मल्टीप्लाई के अंदर है इस cos स्क्वायर b से ये cos स्क्वायर b कैंसिल हो गया, यहां जो न्यूमरेटर के अंदर है वो sin स्क्वायर b प्लस cos स्क्वायर b है तो ये जो आइडेंटिटीज है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 होता है, यहां देखो अगर एक में a होता और दूसरे में b होता तो 1 नहीं होता, दोनों एंगल सेम होने चाहिए, यहां दोनों सेम है b और b तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1 अपॉन में sin स्क्वायर b और इसका मल्टीप्लाई हो रहा है cos स्क्वायर a से, अब cos स्क्वायर a का 1 से मल्टीप्लाई होगा तो cos स्क्वायर a अपॉन में sin स्क्वायर b, अपने को आंसर लेकर आना है n स्क्वायर तो इसको आप कॉमन स्क्वायर लिख सकते हैं, वैसे cos a upon sin b का स्क्वायर, अब देखो cos a upon sin b, cos a upon sin b ये वैल्यू थी n की तो इस ब्रैकेट की जगह लिख देंगे n और n के ऊपर है स्क्वायर, तो ये लाना था तो ये इक्वल टू हो गया RHS, तो हैंस प्रूव्ड। तो अपन ने एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन कर लिए हैं जो कि 6 मार्क्स के, अब इसके जो बचे हुए एग्जांपल्स हैं तो मैं आगे जो क्लास है वो उन एग्जांपल्स के लूंगा, तो इसलिए आप चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, धन्यवाद।